जनपद मैनपुरी के ग्राम अगोथा में आयोजित भागवत कथा का शुभारंभ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने किया। वहीं मौजूद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक उनका मर जाता है। यही हाल उत्तर प्रदेश सरकार का है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार संविधान को मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। किसी के खिलाफ मुकदमा लिख जाता है तो उसके मकान पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है और ये कहाँ का संविधान है। वहीं प्रदेश में लगातार फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं और फिर कोई विपक्षी उंगली उठाते तो उन पर इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। उन्होंने जातीय समीकरणों को लेकर कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार जाति जनगणना नहीं करा रही है, सब फर्जी तरीके से काम चल रहा है और क्या कुछ है, उन्होंने कहा। देखें खास रिपोर्ट। कि जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो भाई स्थिति है। लेकिन सर, जब तक विवेक इनका मरेगा तब तक तो सब देश चौपट। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, व्यवस्था आएगी अगले अच्छी आएगी, लेकिन अब इसमें और कोई रास्ता भी नहीं। अब विपक्ष की कमजोरी पर अभी कुछ नहीं कहना है। जब बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है, आप जानते हैं कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो थी दर्जनों पार्टियाँ और चुनाव मिलके लड़ी, पता नहीं चला था उनका, वही स्थिति हो जाएगी, डोंट वरी।